लाइव में आप सभी का स्वागत है। गोंदिया जिले के विकास का मुद्दा नवनीत राणा उठाएंगे। संसद में युवा स्वाभिमान कार्यकर्ता सम्मेलन जिला अध्यक्ष जितेश राणे की अध्यक्षता में हुआ। अमरावती की जानी मानी सांसद नवनीत राणा उपस्थित थे। राणा ने कहा कि वे निश्चित ही गोंदिया जिले के विकास के लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा में भी युवा स्वाभिमान पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। लहर के दम पर वोट न मांगकर अपने कार्य के दम पर वोट लेने वाली राजनीति को उन्होंने सही ठहराया। इस दौरान जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। इस वक्त विदर्भ संपर्क प्रमुख शंकर बीसेन, जीतू धुआने, वाईपी एड़े, शिव नागपुरे, रवि भंडारकर, मनोताई उके, सुधा तिवारी, अजय चवरागड़े, विनोद हेमने, जीवन शरणागत, विजय पटले, श्यामराव भंडारकर, नरेश लांजेवार, सुरेश चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवनीत राणा ने युवा स्वाभिमान के जनसंपर्क कार्यकाल का रिबन काट के उद्घाटन किया। मीनाक्षी जोशी लिखित सूरत बदलनी चाहिए इस किताब का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय सांस्कृतिक मंदिर प्रहलाद पटेल के हाथों हिंदी भवन भोपाल में यह पुस्तक लोकार्पण किया गया। सांस्कृतिक मंत्री विजय लक्ष्मी सांगो उपस्थित थे। भंडारा निवासी मीनाक्षी जोशी लिखित पुस्तिका में वरिष्ठ कवयित्री अनामिका ने विशेष टिप्पणी लिखी है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।